शिलुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा। नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। रीवा में नाज हर्बल और विंद ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के द्वारा ब्राइडल रैंप शो आयोजित किया गया, जिसमें मेहमान खास रहे फिल्म पर्दे के रुपहले कलाकार नीरज सिंह राजपूत, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और आश्रम, जिनको आपने देखा होगा। उनके साथ मौजूद रहीं विमिशा राजपूत, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट नई दिल्ली, अभिषेक श्रीवास्तव जबलपुर, अंजुम जावेद विंद ब्यूटी पार्लर संगठन के अध्यक्ष, नाज हर्बल के मुशीर खान सहित लगभग 500 महिलाएं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं आयोजन स्थल पर, दिखाते हैं वहां का नज़ारा, वहां से लोगों से बातचीत भी दिखाएंगे आपको। आज 11 अक्टूबर सबसे खास वजह तो ये थी कि आज बालिका दिवस है और बालिका दिवस को एंजॉय करने के लिए, उसको मनाने के लिए एक ब्राइडल मेकअप अवार्ड शो रखा गया रीवा में, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और आपका प्यार मिला और लोगों ने मुझे, मुशीर भाई ने इनवाइट किया इसके लिए। तारक मेहता आश्रम के बाद आगे क्या, जरा इनके बारे में? जी, तारक मेहता और आश्रम के बाद यह है कि एक तेलुगु फिल्म आ रही मेरी नरकासुरा, जो 3 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, और इसके अलावा एक मिट्टी करके एक फिल्म है जो एक किन्नर की बायोग्राफी है, तो उसमें मैंने किन्नर का मुख्य भूमिका अदा की है, और इसके अलावा एक वेब सीरीज़ और है जो गुदना, जो बहुत जल्द आप लोगों के बीच आएगी, और एक है सिरहन जो मनीष वर्मा जिसके डायरेक्टर हैं, जिसमें मैं मुन्ना भाई का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, और हॉरर फिल्म है वो, तो जिसका MP में ही शूट होगा छतरपुर में। ब्राइडल शो में नारी तो खूबसूरत होती है, एक हमारी मतलब रचना करने वाली सारी सृष्टि की नारी है, तो वो कैसे और उनको खूबसूरत बनाया जाए, और एक तकनीक है जिससे, एक सबसे बड़ी बात तो कि एक महिला को एक रोज़गार मिलने का एक भी बहुत अच्छा साधन है ये, तो उसका प्रशिक्षण दिया गया ताकि सेल्फ डिपेंड होके वो अपना पार्लर चला सकें, सर्वाइव कर सकें, जो मतलब किसी पे डिपेंड है तो वो सेल्फ डिपेंड बन सकें। जी ये कहते हैं ना कि मौका है, तो टाइम भी ऐसा था कि हम लोगों की जो डेट थी वो चेंज करना था, तो सबसे अच्छा हमको ये लगा कि 11 अक्टूबर एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, तो हम लोगों को इससे बेहतर और इस स्टेज के लिए इससे अच्छी डेट नहीं मिल सकती थी, इसलिए आज हमने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हमने अपने ब्राइडल मेकअप अवार्ड शो को आज 11 अक्टूबर के दिन हमने संचालित किया। 11 अक्टूबर में क्यों बालिका दिवस स्पेशल, चूँकि हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे थे, विंध्याचल टीम ब्यूटी एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत ही भव्य, बहुत ही अजीम कार्यक्रम का आयोजन हमारे मुशीर भाई के द्वारा किया गया, और इसमें दिल्ली से हमारे बीच जो आर्टिस्ट आए थे, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, उन्होंने बहुत सारी नई विधाएं मेकअप की सिखाई, इनोवेटिव मेकअप के तरीके सिखाए, और बहुत नए तरीके जो हमने कभी नहीं सीखा था, तो बड़ा अच्छा काम रीवा टीम ने एजुकेशन के क्षेत्र में किया है। बहुत सारे बच्चों को, मेरा ख्याल है करीब 500 की तादाद में बच्चे थे, उनको बहुत अच्छा नॉलेज मिला और बहुत ही बढ़िया एक क्लास उन्होंने किया। दिवस के अवसर पे नाज हर्बल ब्यूटी प्लैनेट और विंध ब्यूटी एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हमने इंटरनेशनल आर्टिस्ट और नेशनल आर्टिस्ट सभी को मिला के बुलाया था। हमारे यहाँ रीवा सीधी मतलब काफ़ी जगह से लोग आए थे और बहुत ही शानदार सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे महिलाओं को मेकअप सिखाया गया, उनकी प्रतिभाओं को उभारा गया, कैसे कंपटीशन करते हैं, कैसे बिजनेस बढ़ाना, वो सब सिखाया गया, और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करो ये भी बताया गया लोगों को, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।